सब्सक्राइब कीजिए रिच रिच किचन एंड लाइफस्टाइल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड वेलकम टू माय रिच रिच किचन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोग के सामने वेट लॉस की एक फिर से न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है फ्रूट ओट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा यमी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस एंड हेल्दी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है जिसे मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। इसमें मैंने ये हाफ कप यहाँ ओट्स डाला है, ये बाजार में इजीली अवेलेबल होता है। अब मैं इसमें 1 ग्लास ऑफ मिल्क डालूंगी, फुल मिल्क मुझे डालना है, फुल ग्लास ऑफ भर के एकदम, और वो मैं इसमें डाल रही हूँ। पैन पहले से ही गर्म है, आप हल्के हल्के से डालें, छींटे नहीं पड़नी चाहिए, और इसको फिर आप अच्छे से मिक्स कर दें। ये विद इन अ मिनट्स में बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी मेकिंग है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी और हेल्दी भी है। यहाँ मैंने ये 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स ली है, इसे अलसी के बीज भी कहते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है ये, और इसको मैंने घर में इसके जो सीड्स थे उन्हें भून लिया था। बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं भूनना है, इससे जलना नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसमें कड़वाहट आ जाती है। फिर मैंने इसे ग्राइंडर में पीस के एकदम पाउडर बना दिया था। ये मैंने 1/2 टी स्पून यहाँ पर सिनेमन पाउडर डाला है, मीन्स दालचीनी पाउडर, और वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये दोनों चीज़ें ही हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही अमेजिंग है। और जब बहुत अच्छे से ओट्स हमारा बॉयल हो गया था, मैंने गैस को ऑफ करके तब ये चीज़ें डाली हैं। अब यहाँ मैं ये 1 टीस्पून हनी डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं ऊपर से डालूँगी बाद में, आप पहले भी डाल सकते हो, मैं एज अ डेकोरेशन के लिए भी, ऊपर से गार्निशिंग के लिए भी डाल रही हूँ। अब इसे हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ आप शुगर का यूज़ ना करें क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है हमारी सेहत के लिए। आप यहाँ पे अगर जो लोग हनी का टेस्ट नहीं पसंद करते हैं वो यहाँ पे शुगर फ्री भी डाल सकते हैं, वैसे मैं शुगर फ्री रिकमेंड नहीं करती हूँ। और अब यहाँ पर इसे हम अच्छे से एक बार पंखे के नीचे मैंने इसे ठंडा कर दिया था, अब यहाँ पर मैंने इसे सर्व करना है। एक बड़ा सा बोल लिया है मैंने यहाँ पे, ये हम लंच डिनर या फिर ब्रेकफास्ट किसी भी समय खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस अच्छे से काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है। अब मैं यहाँ पर सारा ओट्स पोर कर दूँगी। इतनी क्वांटिटी 1 पर्सन के लिए सफिशिएंट है। मैंने यहाँ बनाना काटा है स्लाइसेस में पतली पतली। आप ये सोच रहे होंगे वेट लॉस के लिए बनाना ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे से वर्कआउट करते हैं तो आप बनाना, मैंगो सब कुछ खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है, बहुत ही अच्छा सोर्स है ये वेट लॉस के लिए। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो डेली आपको मॉर्निंग में एक बनाना ज़रूर खाना चाहिए, इससे आपका काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है। यहाँ मैं मैंगोज डाल रही हूँ, आजकल मैंगो का सीज़न है, वही मैंने बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं पपाया डाल रही हूँ, आप यहाँ पे कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, पोमेग्रेनेट भी डाल सकते हैं, यहाँ आप स्ट्रॉबेरीज भी डाल सकते हैं। ये मैं ऊपर से थोड़ा सा सिनेमन पाउडर फिर से स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये फुल्ली ऑप्शनल है ऊपर से स्प्रिंकल करना, आपको डालना हो तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। 1/2 टीस्पून हनी मैं यहाँ पे फिर से डाल रही हूँ, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट तो इसका हनी से बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो आपका ये फुल ऑफ मील रेडी है, और आप इसे लंच डिनर ब्रेकफास्ट किसी समय भी खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, सजेशंस दीजिए मुझे, उसे मैं फॉलो करूँगी। और आप मुझसे कोई भी रेसिपी की डिमांड कर सकते हो, मैं उसे पूरा करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।